हेलो स्टूडेंट, द जीनियस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालना सीखेंगे रेशनल फंक्शन का। रेशनल फंक्शन क्या होता है, यानी पी एक्स बाई क्यू एक्स के टर्म में जो होगा उसका हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालना सीखेंगे। आइए देखते कैसे करेंगे। जो हमारा जो नॉर्मल मेथड है, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, करते आए हैं, उसमें क्या होता है कि इसको हम लोग वाई कंसिडर करते हैं, 2x प्लस 3, फिर x प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी जो x था अब y के फंक्शन में हम लोग इसको लिख देंगे। कहने का मतलब इस y को हम लोग उधर ले जाते हैं, या लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3, देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3 बाई माइनस वाई प्लस 2, हो गया ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं कि जहां पे y है वहां पे x, अगर इनवर्स निकालते हैं, यानी f इनवर्स अगर x निकालेंगे तो जहां पे y है, यानी x माइनस 3 बाय माइनस एक्स प्लस 2, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे निकालते हैं, इसमें ऐसे सॉल्व किए। अब हम यहां पे थोड़ा सा इसको इसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया था, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट्स देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to ax plus b over cx plus d, ठीक है। देन अगर हम f इनवर्स x निकाले, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, a एंड d को इंटरचेंज कर देंगे, a एंड d को इंटरचेंज कर देंगे विथ साइन। विथ साइन का मतलब अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला इधर चला जाएगा, प्लस वाला इधर, ठीक है ना। अब देखो ए और डी को चेंज कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। अब बी और सी जो है इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, बी और सी को एज इट इज रखना है, बट बी एंड सी का जो साइन है वो इंटरचेंज, सॉरी साइन को इनवर्स कर देंगे, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस, क्लियर है। ये ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, अगर f इनवर्स x इस टर्म में फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, वन और टू को हम लोग चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहां पे 2 आ जाएगा नीचे तो 2 हो गया, क्लियर है, हो गया सेम। उसके बाद देखो यहां पे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3, और यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, ये तो 2 प्लस में है तो यहां पे प्लस हो, तो ये हमारा हो गया सॉल्व करने का, है ना। इसपे बेस्ड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे हमें दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 बाय माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, f इनवर्स x क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे यानी x, और नीचे क्या आ जाएगा 3, यहां प्लस है तो माइनस 5, यहां पे माइनस है तो प्लस 2x, और ये प्लस, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।